दीपावली धनतेरस का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजार बर्तनों से सज चुका है। अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन इन दिनों बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़ा का तांबा हैंडीक्राफ्ट न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का तांबा कारोबार लगभग 400 साल पुराना माना जाता है। हालांकि धीरे धीरे सरकारों की उपेक्षा के कारण आज यह व्यवसाय सिमट चुका है, लेकिन स्थानीय दुकानदार आज भी तांबे के इस हस्तनिर्मित व्यवसाय को जिंदा बनाए हुए हैं, जिसमें तांबे के इन कारीगरों की रोजी रोटी चल रही है। तांबा नगरी के रूप में विख्यात अल्मोड़ा में एक जमाने से काफी मात्रा में तांबे का काम होता था। यहाँ के टमटा मोहल्ले में तांबे का उद्योग हुआ करता था। आज से 3 दशक पहले एक टमटा मोहल्ले की गलियों से गुजरते वक्त हर वक्त टन-टन की आवाजें सुनाई पड़ती थी। दरअसल यह आवाज तांबे के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के घरों में आती थी। यहाँ दिन रात मेहनत करके वे तांबे के बड़े सुंदर बर्तनों को आकार दिया करते थे। 400 साल पुराना अल्मोड़ा का तांबा उद्योग धीरे धीरे चौपट हो गया। आज से कुछ दशक पहले अल्मोड़ा में टमटा मोहल्ले में करीब 72 परिवार व्यवसाय से जुड़े थे, जो अब घटकर एक दर्जन भी नहीं रह गए हैं। यह बच्चे खुचे तांबा कारीगर अब स्थानीय दुकानदारों के बदौलत ही इस व्यवसाय को छिप बचाए हुए हैं। अल्मोड़ा ताम्र व्यवसाय को आज भी कारखाना बाजार में स्थित अनोखी लाल व हरिकृष्ण नामक दुकान ने जिंदा रखा है। यह दुकान विगत 60 सालों से यहाँ के स्थानीय शिल्पियों के बनाए तांबे के बर्तनों को बाजार दे रहे हैं, जिसमें टमटा मोहल्ले के इन कारीगरों को आज भी रोजगार मिला हुआ है। यह दुकान तांबे के बर्तनों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहाँ परंपरागत हस्तनिर्मित तांबे के विभिन्न बर्तन मिलते हैं, जिनकी आज भी काफी मांग है। कारखाना बाजार में विगत 60 सालों से तांबे बर्तनों के लिए प्रसिद्ध अनोखे लाल हरिकृष्ण प्रतिष्ठान के व्यवसाय संजीव अग्रवाल टीटू के अनुसार टमटा मोहल्ले के कारीगर आज भी अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं। हर गांव में शादी विवाह में भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाले तांबे के तोले यही बनाए जाते हैं। यही नहीं, तांबे के हस्तनिर्मित तोले फोले नेपाल समेत आज भी देश के कई हिस्सों में जाते हैं। कलश समेत पूजा पाठ की अन्य सामग्री भी यही से बनकर अन्य जगहों से आती है। वह बताते हैं कि तांबे का पानी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। ये आज़ादी से पहले इनकी फर्म अनोखीलाल हरिकृष्ण चली आ रही है और मैं भी 60 साल से लगभग इस फर्म से जुड़ा हूँ, और विशेषकर इस ताम्र उद्योग के अंतर्गत जो हमारे यहाँ के कारीगर हैं, जो इस शिल्पी हैं, जो इस तांबे को तराश कर एक नई कलाकृति के रूप में बाज़ार में दे रहे हैं, तो उसका एक बेहंगम जो कलेक्शन है इनके दुकान में, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। केवल हमें नहीं बल्कि फॉरेनर भी आके मानते हैं कि वास्तव में कुमाऊँ की जो संस्कृति है, अगर उसको जिंदा किया है तो ऐसे अपने, हम उनको टीटू भाई के नाम से जानते हैं और ये चौथी पीढ़ी में इस समय है इनके फादर भी, तो काफ़ी उनका जो प्रेम था इस कृति इस कलाकृति के प्रति, उसको उन्होंने सजाए रखा। और विशेषकर जो इसके कारीगर हैं उनको भी उन्होंने समय समय पर इस चीज़ को तराशने के लिए प्रोत्साहित किया, और आज अल्मोड़ा ताम्र नगरी पूरे विश्व में विख्यात। हम बचपन से बना रहे, पूर्वों से चला आ रहा है हमारा कारीगर ये कारी, और हम दुकान का ही काम करते हैं लाला अनोखीलाल इनके, और ये हमारा पैतृक काम है। मतलब बचपन से, हम तो बचपन से करते आ रहे, हमारे पहले फुर्के लोग करते थे। सरकार की वजह से हमें अभी तक कोई ऐसा तो नहीं कराया उन्होंने हमारा व्यवस्था, या अपना ही हम बस लाला। काफ़ी ज़्यादा था ये काम, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो लोग काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और एक हमारे अल्मोड़ा में एक लाला जी, हमारे अनोखे लाल संस, उनके काम करते हैं हम, उन्हीं का माल बनाते हैं, वही हमारा घर चलाते हैं, वही सब कुछ हमारे लिए बस। क्या नाम? मेरा नाम राजेश टमटा। अल्मोड़ा में टमटा मोहल्ला है, वहाँ के कारीगर और सरला गांव और बल्टा गांव के जो कारीगर हैं वो लोग इसको बना के लाते हैं। पहले सरला गांव के बहुत कारीगर थे, अब वो समय के अनुसार उनके परिवार के लोग चले गए, तो उनके बच्चे एक दो लोग ही उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ टमटा मोहल्ला के कई सारे परिवार अभी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इससे वो कई वस्तुओं को, तांबे की जो यहाँ की बनती हैं उनको बनाते हैं। किस तरीके की तांबे के आइटम यहाँ बिकते हैं? यहाँ पर जो है तांबे के पहले फौले और फौले चलते हैं, जो हर शादी में कलश के रूप में, पूरे हिंदुस्तान में कलश के रूप में लिया जाता है, तो यहाँ फौले के रूप में बनते हैं। यहाँ से नेपाल और ये अल्मोड़ा में जो है, ये हर परिवार में जो है, ये हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में तांबे का जो फौला है वो दिया जाता है। हर गाँव में यहाँ पर तांबे का तौला बनता है, जिसमें 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो